नामपल्ली एग्जीबिशन में लगी आग ने न सिर्फ हैदराबाद व तेलंगाना बल्कि पूरे भारत में खलबली मचा दी थी। अब सेंट्रल जोन पुलिस ने गत 30 जनवरी की रात को नुमाइश मैदान में लगी इस आग के कारणों का खुलासा किया है। पुलिस ने प्राथमिकी जांच में पाया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट रहा है। हैबिट डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त जी भीक्षम रेड्डी ने बताया कि इस घटना की फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्टॉलों में माल अधिक होने और काफी कम दूरी पर स्टॉल लगाने के साथ साथ स्टॉलों के विद्युतीकरण के लिए उपयोग में लाए गए तारों की व्यवस्था ठीक न होने के कारण हादसे ने बड़ा रूप ले लिया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी जांच में 130 स्टॉलों में नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले सप्ताह बारिश होने के कारण स्टॉलों के संचालकों ने अपने अपने स्टॉलों को प्लास्टिक के बड़े बड़े कवरों से ढक दिया था। इसी के कारण आग तेजी से फैलती गई और सैकड़ों स्टॉलों को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने बताया कि जांच पड़ताल में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।